एक ओर तो सरकार पंचायती राज स्थापित करके ग्रामीण तबके तक जन कल्याणकारी योजनाएं पहुंचाने का ढिंढोरा पीट रही है, वहीं जमीनी हकीकत पर नजर दौड़ाई जाए तो सरपंच सचिव की मनमानी चरम पर जा पहुंची है। मामले को जानने के लिए चलते हैं मध्य प्रदेश के खरगोन जिले में, जहां व्यक्ति ने जिला जनपद में आवेदन देकर इस बात का खुलासा किया है कि ग्राम पंचायत महकमा प्रशासनिक अधिकारियों की मदद से शासन को चूल्हा लगाकर राशि गबन करके अपना घर भर रहा है। दरअसल मामला जिले की सेगांव पंचायत का है, जहां धीरज मिश्रा ने सरपंच सचिव और उप सरपंच पर आरोप लगाते हुए इस बात का खुलासा किया कि पंचायत की आड़ में अवैध दुकानों का निर्माण करके तुगलकी फरमान के साथ लाखों रुपये की बंदरबाट चल रही है। इस दौरान शिकायतकर्ता ने यह भी बताया कि प्राथमिक सुविधाओं का खर्च होने वाली राशि को पंचायत महकमा अपने निजी स्वार्थ से काम में ले रहा है। इधर शिकायत के आवेदन प्राप्त होने के बाद मौका मुआयना करने पहुंची जनपद पंचायत सहायक यंत्री ने बताया कि जांच कर वैधानिक कार्यवाही की जाएगी। खरगोन से अजय तिवारी की रिपोर्ट। सरपंच मंत्री साहब खा गए, एक बार का आया था वो भी नहीं बनाए, मटेरियल उठा लिया। क्या बोले? मटेरियल इधर से उठा लिया सर। क्या बोले वो? होना नहीं हमको। अरे बोल क्या रहे मंत्री ने? ये बोल रहे हैं जी आया नहीं, कहीं आगे से नहीं आया। आगे से नहीं आया तो हम कैसे बनवाएं? तो तुमको समाज के बर्तन भी आए थे, वो भी नहीं सर हमको मिले। ये टंकी भी नहीं, चूल्हा भी कुछ नहीं मिलता हमको हरिजन में। यहाँ पे क्या नाम है आपका? दिनेश। आपका क्या नाम? हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।